कुछ इशू हो तो। सॉरी मैं रिपीट कर देता हूँ। जब आप टेलरिक इंस्टॉल कर रहे हो तो मेक श्योर करना है वीडियो स्टूडियो क्लोज होना चाहिए। नंबर दो, जब टेलरिक इंस्टॉल हो गया, जब आप वीडियो स्टूडियो फिर उसके बाद ओपन करोगे तो यहाँ पे ये टेलरिक लिखा हुआ नजर आएगा। अगर टेलरिक यहाँ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी मेन्यू में टेलरिक नहीं आ रहा, तो फिर आप मेक श्योर कर लो टूल्स में जाके एक्सटेंशन एंड अपडेट्स, इसमें आपने ये अपडेट्स में जाके देखना है कि वीजुअल स्टूडियो की भी एक अपडेट आ रही होती है, उसमें लिखा होगा वीजुअल स्टूडियो अपडेट्स, तो वो आपने देखना है कि आपके पास शो हो रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही इट मीन्स कि ओके है, और अगर वहाँ पे वो अपडेट आ रही है देन आपने उसे सेलेक्ट करके तो आपने इंस्टॉल कर लेना उसको, ठीक है। अपडेट पर क्लिक करोगे अपडेट हो जाएगा वो, तो उसके बाद जब आप वीजुअल स्टूडियो रिस्टार्ट करोगे होपफुली वो टेलरिक लिखा हुआ नजर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब अज्यूम के आपके पास टेलरिक यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो गया, सब नज़र भी आ रहा है, देन मैंने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करने पे अब यहाँ पे वेब में गया, यहाँ पे आ रहा है टेलरिक वेब फॉर्म्स एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसको मैं फिलहाल कोई नाम नहीं देता, इसको सिलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। ये होगी बिल्कुल उसी तरह जैसे नॉर्मल डॉट नेट की एप्लीकेशन होती है। इससे इससे सिर्फ एडवांटेज ये आ जाता है कि जो रेफरेंसेज रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, जब आप टेलरिक इंस्टॉल यूज़ करें तो कुछ रेफरेंसेज चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे ये खुद से ऐड कर लेता है, हमें मैनुअल ऐड नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं फिलहाल इस स्टेप से बता रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग प्रोजेक्ट वाला इंप्लीमेंट कर लेंगे तो देन मैं फिर आपको बताऊँगा कि अच्छा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर जब टेलरिक यूज़ करना है तो क्या क्या रेफरेंसेज हैं जो आपने उस पर इंक्लूड करने हैं, तो उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मैंने जैसे ये ब्लैंक एप्लीकेशन थी, अब ये बिल्कुल उसी तरह एक एप्लीकेशन बन गई, डिफॉल्ट डॉट ASP.NET का एक बिल्ट इन पेज आ गया। या मैं खुद से एक पेज बना लेता हूँ, ऐड वेब फॉर्म, वेब फॉर्म वन ही रख देते हैं इसका नाम फिलहाल, ओके कर दिया। यानी अभी वो जो TBS यूजर अकाउंट था मैं उसी को यूज करने लगा हूँ, इंसर्ट अपडेट टू डिलीट यूजिंग टेलरिक कंट्रोल। अब डिजाइन पे आ गए, अब जो इंसर्ट अपडेट डिलीट यूजिंग टेलरिक कंट्रोल करना है तो वो हमारा आएगा रेड ग्रिड के अंदर, ठीक है। और जिस भी पेज पे जब आप एप्लीकेशन के अंदर टेलरिक कंट्रोल यूज करने जा रहे होते हो तो आपको सबसे पहले एक स्क्रिप्ट मैनेजर चाहिए होता है, रेड स्क्रिप्ट मैनेजर। एक पेज पे एक ही होता है, कंट्रोल जितने मर्जी यूज करो लेकिन स्क्रिप्ट मैनेजर एक लाजमी उस पर ऐड करना होता है, तब वो आप कंट्रोल को यूज कर सकते हो। सर ये करता क्या है स्क्रिप्ट मैनेजर? ये स्क्रिप्ट मैनेजर का ये एक्चुअली रोल है कि ये जो जो टेलरिक का कंट्रोल यूज करेंगे उसके अंदर जो जो बिल्ट इन उसके फंक्शन होते हैं या उसके कुछ स्पेसिफिक जो डिपेंडेंसीज होती हैं उसको आइडिया लेने के लिए कि ये टेलरिक का कंट्रोल है इस पूरे अम्ब्रेला के अंदर आ रहा है। तो स्क्रिप्ट मैनेजर जो है उसके तमाम स्क्रिप्ट को कंट्रोल करता है, जो उसके एम्बेडेड क्या कहते हैं एम्बेडेड स्किन्स होती हैं, एम्बेडेड उस पर स्टाइल शीट्स होती हैं, एम्बेडेड स्क्रिप्ट होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें स्क्रिप्ट मैनेजर ने इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। एक स्क्रिप्ट मैनेजर आदमी चाहिए एक पेज के ऊपर। अब इस पेज में मैं बेशक 50 कंट्रोल्स यूज करूँ लेकिन स्क्रिप्ट मैनेजर जरूर चाहिए। अगर स्क्रिप्ट मैनेजर यूज नहीं करूंगा तो रन टाइम पे एरर दे देगा कि एटलीस्ट एक स्क्रिप्ट मैनेजर ऐड करो आप। अच्छा, अब ये रेड ग्रिड मैंने ड्रैग या डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पे अब रेड ग्रिड एक ड्रॉ हो गया, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का जैसे ग्रिड व्यू होता था। अब जैसे मैंने वहाँ पे उस ग्रिड को विजिट के थ्रू बाइंड किया था लेकिन उसके अंदर हमें ये ऐड अपडेट डिलीट की फंक्शनैलिटीज वैसे नहीं मिली, ठीक है, ये हमने वो प्रैक्टिस भी नहीं की। लेकिन यहाँ पे अब हम जब यूज़ करेंगे देन मैं बताता हूँ कि मुझे इंसर्ट अपडेट डिलीट सब कैसे इजीली हो जाएगा। वहाँ पे भी हमने ग्रिड को बाइंड किया था, चूज डाटा सोर्स में जाके न्यू डाटा सोर्स, यहाँ पे मैंने वैसे क्लिक किया अब नई विंडो आ जाएगी, ठीक है, डाटाबेस हमें एसक्यूएल सेलेक्ट की, ओके। अब यहाँ पे इसको कनेक्शन सिंक चाहिए, मैं सर्वर नेम वहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पे न्यू कनेक्शन सर्वर नेम पेस्ट किया, डेटाबेस सेलेक्ट की, ऑनलाइन क्लास डीबी ओके कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट ये टेबल आ गया। अच्छा, अब ये स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको, जिसमें टेबल सेलेक्ट हुआ आ रहा है TBS यूजर अकाउंट्स? यस सर, यस सर। अब जिस वक्त आपने इंसर्ट अपडेट रीड की फंक्शनैलिटी भी लेनी हो ना तो ये एडवांस में जाके ये जनरेट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट इसको टिक कर लेते हो, यूज ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी,
ये चेक करता है कि आप किसी ऐसे रिकॉर्ड को डिलीट तो नहीं कर रहे जो किसी और पे डिपेंडेंट है, या किसी ऐसे रिकॉर्ड को अपडेट तो नहीं कर रहे किसी और पे डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है तो उसकी डिपेंडेंसी लेवल क्या है कि इसको यहाँ से अपडेट करने में वहाँ पे चेंज आ रही है तो करने नहीं देगा अपडेट, इसलिए ये कंकरेंसी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा अब ऑर्डर बाय लगा देते हैं जी, यूजर नेम वाइज ऑर्डर कर देना। ओके कर दिया, ठीक है। देखिए एडवांस में ये करने से इंसर्ट अपडेट और डिलीट की क्वेरी मिलेगी, वरना ये क्वेरीज नहीं मिलेंगी, वरना सिर्फ सेलेक्ट की क्वेरी आती है। ठीक है टेस्ट सर, जस्ट ये प्रीवियस पेज पे जाइएगा जरा, प्रीवियस स्क्रीन पे। हम ये वेयर किस तरह यूज कर सकते हैं? वेयर ये होता है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो जैसे बंदा लॉग इन करे तो ये जो ग्रिड है, ठीक है, हम लोग जैसे चार लोग हैं, अगर मैं लॉग इन करूँ तो मुझे सिर्फ अपना रिकॉर्ड नजर आना चाहिए, आप लॉग इन करो आपको अपना रिकॉर्ड नजर आना चाहिए। अब वो सेशन मैनेजमेंट हम जब करेंगे ना, वो सेशन हैंडलिंग होती है, तो हम वेयर में जाके यहाँ बता देते हैं जी वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू ये सेशन, और सेशन का नाम बता देते हैं ये सेशन का नाम होना चाहिए, या किसी कंट्रोल की बेस पे करना चाहें। ठीक है, ये हम आगे थोड़ा सा भी जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे वहाँ यूज होगा डेफिनेटली, फिर मैं वेयर टच करूँगा। ठीक है, तो ये अभी अगर उसको सिंपल वे में ले लेते हैं, बाकी जिस समय हम लॉग इन वाला क्राइटेरिया बनाएंगे देन हम वेयर क्लॉज लगा लेंगे। Point clear? Yes, sir. ठीक है, फिर नेक्स्ट टेस्ट क्वेरी कर लिया और फिनिश, ये हमारे पास कॉलम्स आ गए। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड टाइप, अब इनके जो ऊपर हेडिंग्स हैं ये आप अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे ओपन कॉन्फ़िगरेशन विजिट, ठीक है, क्लिक किया ये, अब ये मास्टर टेबल व्यू के अंदर कॉलम्स आ रहे हैं। अब ये आ रहे हैं यूजर नेम पासवर्ड टाइप, और ये यहाँ पे इनका हेडर टेक्स्ट आ रहा होगा, ये हेड टेक्स्ट, ठीक है, हेडर टेक्स्ट। यूजर नेम में स्पेस देना चाहता हूँ, ठीक है, हेडर टेक्स्ट में स्पेस दे दी, ये जो डिस्प्ले नेम है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे डिलीट भी करना है, अब डिलीट के लिए मुझे एक बटन लगा, बल्कि वो बाद में आता हूँ उस पर। ठीक है, अभी यूजर नेम में स्पेस दी तो यहाँ पे स्पेस भी आ गई। अब मैं चाहता हूँ इंसर्ट अपडेट और डिलीट तीनों काम करने हैं मैंने, तो इस ग्रिड की प्रॉपर्टीज में आऊंगा। ठीक है, ग्रिड की ये प्रॉपर्टीज विंडो आ गई, ये आ रहा है अलाउ ऑटोमेटिक डिलीट इंसर्ट अपडेट, ठीक है, फॉल्स हुआ है, मैं इन तीनों को ट्रू कर दूंगा। ठीक है, स्टेप वन, स्टेप टू थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है मास्टर टेबल व्यू, ये मास्टर टेबल व्यू, इसमें भी आ रहा होता है ये ऑटोमेटिक डिलीट इंसर्ट अपडेट, ठीक है, इनको भी ट्रू करना है। ठीक है, ये इंसर्ट अपडेट भी ट्रू होगी। ठीक है, अब मैं इस पर डिलीट का बटन लगाता हूँ, ओपन कॉन्फ़िगरेशन विजिट, मास्टर टेबल व्यू, कॉलम्स, ये बटन ऐड करूँगा। ठीक है, प्लस के साइन पर क्लिक किया, बटन ऐड हो गया। अब इसमें जो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ नज़र आएगा डिलीट या रिमूव, जो भी लिखना चाहते हो, कमांड नेम ये बतानी होती है, इससे पता चलता है कि आप फंक्शनैलिटी क्या लेना चाह रहे हो, कमांड नेम है डिलीट। अब हम डिलीट डायरेक्ट नहीं कराना चाहते, हम कहते हैं यार हमसे पूछे एक दफ़ा, ठीक है, कि जी आर यू श्योर टू डिलीट, तो पूछे, अगर हम ओके करें तो डिलीट करें, अगर मैं ये मैसेज नहीं लिखता तो वो पूछे बगैर ही आप जैसे क्लिक करोगे डिलीट कर देगा, मे बी आपसे गलती से क्लिक हुआ हो, इसलिए ये मैसेज लिखने से ये आइडिया एडवांटेज हो जाता है, जैसे आप क्लिक करोगे वो पूछेगा, अगर आपसे गलती से क्लिक हुआ है तो डेफिनेटली आप कैंसिल कर लोगे, अदरवाइज आप ओके करोगे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब आप चाह रहे हो यार इसका थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज हो जाए, नॉर्मल ब्लैक ना हो, ये थोड़ा रेड रेडिश हो, या फोर कलर आप रेड कर देते हो, अगर आप उसे बोल्ड करना चाह रहे हो या बोल्ड को ट्रू कर देते हो, यानी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, आप इसका प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करके काफ़ी कुछ कर सकते हो। सर ये कलर हम वो CSS स्टाइल से भी एंटर कर सकते हैं जो बिल्कुल स्टाइल शीट से भी हम लगा सकते हैं, तो देन वो सिर्फ CSS क्लास जो है उसका नाम अब यहाँ मेंशन कर देते हैं, एक सेपरेट CSS क्लास में आप क्लास बना दो, यानी वो जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी भी यहाँ CSS क्लास में यूज कर दो, इम्प्लीमेंट हो जाएगी। राइट राइट सर, ओके। अच्छा, अभी मैंने एक बटन ऐड कर दिया डिलीट का, अब मुझे अपडेट भी रिकॉर्ड करना है, ये वो बटन ऐड किया, इस बटन को ये एरोस की मदद से मैं टॉप पे ले आता हूँ। ठीक है, एक तरफ एडिट हो शुरू में, दरमियान में फीड्स होंगी, लास्ट पे डिलीट का बटन होगा, और इस वाले को मैं ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लू कलर दे दिया, फॉन्ट में से बोल्ड कर लिया,
और देन उसके जो टेक्स्ट है उसमें कर दिया अपडेट, कमांड नेम अपडेट, ठीक हो गया, ओके कर दिया। अब मैं इसको जरा व्यू इन ब्राउजर करके देखता हूँ कि हमें चेंज क्या आई। व्यू इन ब्राउजर किया, स्क्रीन शेयर की, ठीक है, ये देखें अपडेट का बटन, अपडेट भी आ रहा है और डिलीट भी आ रहा है, ठीक है। ये अपडेट लिखा हुआ आ रहा है, इस वजह से कि इसकी बिल्ट इन जो स्टाइल है उसमें अगर मैं जैसे कमांड नेम अपडेट कर दिया था तो ऑटोमेटिक उसने ये टिक का साइन ऐड कर दिया था, तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ अपडेट पे, इज इन एडिट मोड सेट टू ट्रू, कॉन्फ़िगरेशन विज़र्ड, कॉलम्स, ये जो अपडेट है इसका टेक्स्ट रिमूव कर लेते हैं, कमांड नेम एडिट, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, सॉरी, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन विज़र्ड में जाके मास्टर टेबल व्यू कॉलम में जाके ये जो पहला कॉलम था उसको जो अपडेट था मैंने रिमूव कर दिया, कमांड नेम को एडिट किया अभी, ठीक है, चेक करने के लिए वो जो एरर आया था। अब मैं वापस ब्राउजर वाले ब्राउजर बंद करके व्यू इन ब्राउजर, ठीक है, एडिट, ठीक है, अब ये देखिए उसी तरह से टेक्स्ट बॉक्सेस बना दिए, ठीक है, खुद से सर स्क्रीन शेयर कर दी मैंने, अब आगे चला भागी, ठीक है। अब ये मेरा ब्राउजर में ये एडिट के लिए उसने आइकन बना दिया, डिलीट का आइकन बना दिया, डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पूछ रहा है आर यू श्योर टू डिलीट, कैंसिल मैंने कर दिया, एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए शो कर रहा है। अब देखिए जो यूजर नेम है वो प्राइमरी की है, इसलिए प्राइमरी की को वो ऑप्शन नहीं दे रहा कि आप उसे चेंज कर सको, ताकि उसी की बेस पे तो रिकॉर्ड उसने अपडेट या डिलीट करने होते हैं, ठीक है, सही। मैंने पासवर्ड चेंज किया, क्लिक किया, ये पासवर्ड चेंज हो गया, ठीक है। मैंने कोई मेथड नहीं बनाया, कोई क्लास नहीं, कोई क्वेरी कुछ नहीं मैंने नहीं किया, बस विज़र्ड चलाए थे, ये ऐड किया उसने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, समझे? यस सर। सर इसका कोड बिहाइंड भी हम देख सकते हैं, मैं वो दिखाता हूँ अभी आपको। अच्छा, अब देखो इसमें अपडेट भी मिल गया हमें, डिलीट भी मिल गया, लेकिन ऐड अभी तक नहीं हमें शो हो रहा, ठीक है। अब ऐड के लिए मैं वापस आता हूँ विज़ुअल स्टूडियो में, ग्रिड की प्रॉपर्टीज में आते हुए यहाँ पे मास्टर टेबल व्यू के अंदर प्रॉपर्टी होती है कमांड आइटम डिस्प्ले, कमांड आइटम डिस्प्ले मैंने इसे टॉप कर दिया, ठीक है। अब ये देखो आपको नजर आई चेंज, ऐड व्यू रिकॉर्ड ऐड हो गया इस पे। अब मैं जाता हूँ वापस ब्राउजर पे, आ गया ऐड न्यू रिकॉर्ड, क्लिक किया ये विंडो आ गई, ठीक है। लेकिन अब इस केस में हमें यूजर नेम यहाँ पे शो होना चाहिए था, लेकिन वो ग्रिड में वो प्राइमरी की होने की वजह से उसने उसको रीड ओनली ही लिया, वो सेटिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं, वो मैं आपको उठा भी देता हूँ। लेकिन अभी ये तो समझ आया ना ऐड बटन कैसे आता है, एडिट और डिलीट कैसे आते हैं, ये क्लियर हो गया? यस यस। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ वो जो आप कोड बिहाइंड की बात कर रहे हैं कि इसके बैक पे हुआ हुआ क्या, ये जो हमने किया, ठीक है, अब डबल क्लिक हो गया, इसके सोर्स में मैं आता हूँ, ये देखें जो हमने विज़र्ड के थ्रू क्वेरी बनाई थी, एसक्यूएल डाटा सोर्स जो दिया था, ये उसकी ये उसने कनेक्शन स्ट्रिंग इसको दे दी जो हम लोग दिया करते थे, ठीक है। ये डिलीट की क्वेरी उसने यहाँ पे बना दी थी, जो विज़र्ड हमने चलाया था, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, यूजर नेम इज इक्वल टू दिस, ये उसका अपना फॉर्मेट है। इसी तरह आगे जाके अपडेट की इंसर्ट की क्वेरी पड़ी हुई है, ये सिलेक्ट की क्वेरी पड़ी हुई है, ये अपडेट की क्वेरी, ठीक है, ये सारी क्वेरीज पड़ी हुई है यहाँ पे बैकएंड पे, और ये इसमें हमने जो सेटिंग की है, ठीक है, जो मास्टर टेबल व्यू के अंदर हमने कमांड आइटम डिस्प्ले टॉप किया वो आ गया,
अब इसे डाटा की नेम जो प्राइमरी की हो खुद से अपने उठा लेता है, डाटा सोर्स उठा लिया, ये जो हमने कॉलम वहाँ सेट किए थे यूज़र नेम पासवर्ड टाइप, ठीक है। अब वो जो यूज़र नेम शो नहीं हो रहा वो रीड ओनली, देखो ये प्रॉपर्टी है रीड ओनली, उसको उसने ट्रू किया हुआ है, मैं उसे फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो जो कोड बिहाइंड एक्चुअली उसका ये बैक पे ये सारा सेट हुआ है, जो विजिट हमने चलाया था, ये जो डिलीट का बटन लगाया, जो फोर कलर सेट किया, इसको बोल्ड किया, ये सारी प्रॉपर्टीज बैक एंड पे वो सेट होती जा रही है इसकी। अब मैं जरा दोबारा ब्राउजर में जाऊं जो मैंने चेंज किया, जो न्यू डाटा सोर्स डबल क्लिक हुआ है वो कह रहा है दोबारा एक दफा इसको व्यू इन ब्राउजर पे, तो वो मैंने कर दिया। एंड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किया, यूजर नेम अली, पासवर्ड 12345, यूजर टाइप एडमिन, मतलब यूजर कर देते सर स्क्रीन, ये सेट अप नजर आया। एंड न्यू रिकॉर्ड अली 12345 यूजर क्लिक किया, ये ऐड हो गया रिकॉर्ड, ठीक है। डिलीट करता हूँ, ओके किया, डिलीट की फंक्शनलिटी परफॉर्म, ठीक हो गया। ये तो रैपिड ऐप डेवलपमेंट में बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा। अच्छा इससे भी इसका एक प्लस पॉइंट, आप जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स का टेबल है, वो डेली की सेल आ रही है, अगर उन्हें क्लोजिंग डालनी है, ठीक है, रिकॉर्ड अपडेट करना है कि किसी का ये रिकॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो यहाँ 10 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, हर एक के आगे चेक बॉक्स है कि जी चेक मतलब इसके वेरीफाइड वेरीफाई वेरीफाई, ठीक है। अब करना क्या पड़ेगा उसे, हर दफ़ा एडिट करेगा, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेगा, वेरीफाई टिक कर देगा, ऐसे ही करेगा ना, यस yes. ठीक है, 10 रिकॉर्ड है, 10 मरतबा वो एडिट करेगा, हर एक के रिकॉर्ड को जाके चेंज करेगा। अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है, जरिए मतलब क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट करता है यार मुझे ये बहुत टाइम लगता है, मेरे 100 रिकॉर्ड होते हैं, 100 दफ़ा मैं क्लिक करूँ बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा यार, जैसे एक्सेल में होता है कि मैंने एक ही दफ़ा सारी चेंजेस की, सेव का बटन प्रेस किया सेव हो गया, तो ऐसी फंक्शनैलिटी इसके अंदर आनी चाहिए। फिर हम बैठ जाते हैं जी जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करो या जी इसको तमाम रिकॉर्ड को एग्जैक्टली वो फिर सर जो रनिंग कोड होता है, आई एम सो सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, और जो रनिंग कोड होता है वो उसकी भी फंक्शनैलिटी खराब हो जाती है और हमारा अपना भी कोड इंप्लीमेंट नहीं सही तरीके से हो पाता। एग्जैक्टली अब वही फंक्शनैलिटी, अब आप यहां देखो कि हम कैसे कर सकते हैं, मैं रिकॉर्ड जस्ट ऐड करने लगा हूं वैसे ही जिसे मैंने डिलीट किया था, अभी दो रिकॉर्ड हो गए। अब मैं चाह रहा हूं यार मैं यहीं से चेंज करूं और वो एक दफ़ा मैं सेव का बटन प्रेस करूँ सारा सेव हो जाए, तो यहाँ पे हमें जो क्रिएट हमें फंक्शनैलिटी देता है शेयर कीजिए, डिज़ाइन पे आ गया, इसी की प्रॉपर्टीज में जाना है, कमांड आइटम डिस्प्ले पे जाना है, सॉरी मास्टर टेबल व्यू के अंदर, यहाँ कमांड आइटम डिस्प्ले तो यहीं पे एडिट मोड की प्रॉपर्टी है, एडिट मोड ये यहाँ पे आ रहा है बैच, ठीक हो गया, सेव किया, मैं वापस ब्राउजर पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो सेव चेंजेस कैंसिल चेंजेस आ गया, सर आ गया। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ, एडिट मोड में आ चुका खुद ही, ऑसम सर, दिस इज टू ऑसम। अब देखिए ये ऊपर ये छोटा सा रेड कर्सर आ रहा है ना, इस इट मींस कि ये सेल एडिट हो चुका है, ठीक है, बाकी में कोई चेंज नहीं की, इसमें हमने चेंज कर दिया है। अब मैं जस्ट सिंपली सेव चेंजेस क्लिक करूंगा तो चेंजेस इंप्लीमेंट हो गई, और अगर मैं फॉर एग्जांपल आपने कुछ चेंज कर दी, ठीक है, अब आप देखो यार ये तो मैंने ज़्यादा गलत कर दिया काफ़ी ज़्यादा, अब मैं सबको वापस रोल बैक करने की जगह सिंपल कैंसिल चेंजेस कर दो, वापस उसी मोड में आ जाता है जो एडिट से चेंज करने से पहले था। Understood, sir. इतने इससे ज़्यादा आपसे आपको आसानी हो जाती है कि वही सेम चीज़ अगर आप नॉर्मल तरीके से अचीव करना चाहते, मेरा ख्याल है दो तीन दिन कहीं नहीं गए आराम से बैठ के आप लोग उसकी कोडिंग करते रहो, लॉजिक्स बनाते रहो, एरे बनाते रहो, बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। ये हमें टेलरी का एडवांटेज, अभी हम जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे उसमें गाहे बगाहे जहाँ में ज़रूरत होगी वहाँ पर हम लोग ये टेलरी के कंट्रोल भी यूज़ करते रहेंगे, नॉर्मल डॉट नेट के अपने कंट्रोल भी यूज़ करेंगे, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा और फिर अभी जिस तरह अभी तो ये सिंपल मैंने बनाया जिसमें ये टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं, अच्छा एक और चीज़, अब जिस वक्त हमने यहाँ पे एडिट बैच कर दिया है, अब हमें इस
एडिट वाले की जरूरत नहीं है, ठीक है, ताकि वही काम सारा हमारा यहाँ पे चेंजेस करके सेव चेंजेस से होता है, उस लिए फिर हम लोग एडिट के बटन को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है सर। लेकिन डिलीट हमारा रहेगा, और डिलीट में एक चीज हमें मेक श्योर करनी होती है, ये जो मैंने ओके कर दिया, रिकॉर्ड अभी डिलीट नहीं हुआ, ठीक है, जब तक मैं सेव चेंजेस नहीं करूंगा, ठीक है। वो यूआई से डिलीट हो गया लेकिन डेटाबेस से डिलीट नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो सेव चेंजेस में चेंजेस करने से होगा। अगर मैंने बैच मोड नहीं रखा हुआ ना, तो देन तो वो डिलीट करने से डायरेक्टली डेटाबेस से डिलीट हो गया था। जब मैंने एडिट मोड को बैच कर दिया, तो फिर उस केस में अभी वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं, मैं रिफ्रेश करूंगा ना, रिकॉर्ड वापस आ जाएगा। इस काम के लिए मुझे सेव चेंजेस भी करना है, तो रिकॉर्ड जाके डीबी से चेंज होगा। राइट राइट, ठीक हो गया। ये हमारा टेलरिक का इंट्रोडक्शन, और इसमें हम जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी डाल सकते हैं, चेक बॉक्सेस डाल सकते हैं, हम डेट कैलेंडर्स डाल सकते हैं, फाइल अपलोड कंट्रोल डाल सकते हैं कि डायरेक्टली यहीं से मैं फाइल को ब्राउज करके फाइल भी अपलोड कर दूँ इस रिकॉर्ड के अगेंस्ट, ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई वो कहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं सी वी अपलोड कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप एजुकेशन अपनी डाल रहे हो, एजुकेशन में आपने डाल दिया जी बी एस सी एस किया, फलां यूनिवर्सिटी से किया, ये इतने मेरे ग्रेड थे, और आप कहते हो जी प्रूफ के तौर पर ट्रांसक्रिप्ट भी लगानी है, तो यहीं पर मैं ब्राउज का बटन दे दूँगा, ब्राउज के बटन पर क्लिक किया, ब्राउज हुआ, वहाँ से मैंने ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको सिलेक्ट किया, ओके किया, वो यहाँ पे अटैच होगी। ये सारी फंक्शनैलिटी हम इससे अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब जस्ट एक चीज़ दिखाने के लिए कि अगर जब थोड़ा सा आप इन्हीं टैलरिक कंट्रोल को इंस्टॉल करके खुद से जब काम करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूँ टैलरिक कंट्रोल्स फॉर ASP.NET डेमो, ठीक है, ये अब लिंक है, इस पर जब आप जाओगे यहाँ पे ये तमाम कंट्रोल्स आ रहे हैं जो हमें नॉर्मली टैलरिक के अंदर हो रही है, ब्राउजर वाली स्क्रीन ही है, तो ये यहाँ पे देखो, अभी जैसे मैंने ग्रिड किया था, लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट व्यू है, पिवट ग्रिड है, इसमें बेशुमार चीज़ें ऐसी भी हैं, अब एक्सप्लोर करोगे आपको पता चलेगा यार अच्छा ये मेरी तो रिक्वायरमेंट है, या आपको आइडिया हो जाएगा इसमें मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ग्रिड में आता जब ये मैंने इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो अभी कैसे किया, अब ये आपको पूरे ट्यूटोरियल्स इवन विद कोडिंग देगा, ये देखो नीचे C#VB, ठीक है, VB.NET का कोड भी है, C# का कोड भी है, ठीक है, अभी कोड के अंदर ये पूरी ASPX कोड उसका, ठीक है, मैं C# पे आता हूँ फिलहाल, ठीक है, ASPX का कोड भी है, उसके जो कोड बिहाइंड का कोड भी है, जावास्क्रिप्ट जो उसने कुछ इम्प्लीमेंट किया, स्टाइल शीट, तमाम कोड उसने दिया हुआ है कि आप उस पूरे को इम्प्लीमेंट करके ये सारी फंक्शनैलिटी टेस्ट कर सकते हो जो यहाँ पे हुई भी है टॉप पे, ठीक है। अब जैसे ये बाइंडिंग में आ जाते हैं, अगर आप बाइंडिंग देते जो क्लाइंट साइड बाइंडिंग, अच्छा मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे क्लिक किया अब ये दिखा रहा है कि इस तरह की कुछ चीज़ अचीव कराने जा रहा है, ठीक है, ऐड न्यू रिकॉर्ड, सेव चेंजेस, इस तरह ये आप उसको देख के इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, एप्लीकेशन भी कुछ इसने इम्प्लीमेंट करके रखी हुई है यहाँ पे, कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो देखना चाह रहे हो, ठीक है, अभी इमेजेस उसके अंदर ग्रिड के अंदर इमेजेस ऐड कर रहा है, कम्बो इन ग्रिड, ठीक है, अभी कम्बो बॉक्स ग्रिड के अंदर कैसे लगाते हैं ये वो दिखा रहा है, एडिट किया, ये देखें, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, ड्रॉप डाउन ट्री इन ग्रिड, ये देखें, एडिट, ये देखें, अभी पूरा ट्री सा बनाया हुआ है इसके अंदर उसने, ठीक है, मतलब बहुत बहुत फंक्शनैलिटीज हैं इसके अंदर। आस्ता आस्ता आप प्रैक्टिस जब करेंगे, कोई एक कंट्रोल पकड़ लिया, उसको प्रैक्टिस शुरू कर दी, आप देखोगे आप मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको सिंप्लीफाई हो जाती हैं और आसान भी, विद कोड पड़ी हुई है, ये भी नहीं है कि आपको देख के कुछ रीडिंग करके कुछ इम्प्लीमेंट करना है, पूरा नीचे कोड पड़ा हुआ है, उसको देखो आप, उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक हो गया सर। किस हद तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक एक फुली डेवलप्ड एप्लीकेशन के लिए कहाँ जाके फिर हमें कोडिंग खुद करनी पड़ती है, उसके अंदर फंक्शनलिटी खुद ऐड करनी पड़ती है? कोडिंग और फंक्शनलिटी तो खुद ही करनी है, इसके अंदर भी जो अभी ये आपको देगा ना कॉपी पेस्ट करेंगे, हमें उसे अपनी फंक्शनलिटी के हिसाब से कोडिंग इसकी खुद ही करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया तो एक दो छोटी छोटी चीज़ें चेंज की तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैंने ये अभी के सिनेरियो में मैंने जो किया था कि सिंपल वो इंसर्ट अपडेट डिलीट कर दिया टेबल के साथ, ओके, अब आप कहते हो जी अच्छा एक मेरा टेबल है जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल सिटीज़ पड़ी हुई हैं, अब ये वो टेबल है जिसके अंदर वो सिटी का नाम है यूज़ होना है,
तो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आए उस टेबल से ड्रॉप डाउन जो है सिटीज के नाम उठाए लेकिन ऐड वो इस टेबल में करे। इस तरह की फंक्शनैलिटीज होती है वो फिर हमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है। वो इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे उसमें यही चीजें बताऊंगा, फिर आपके लिए इजी हो जाता है। फिर आप ये कोड उठाते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, अपनी मर्जी की फील्ड चेंज करते हो, कंट्रोल को रिमूव करते हो, ऐड करते हो, उसको यूज कर लेते हो। So, like it's a UI implementation. लाइक यूआई इंप्लीमेंटेशन, लेकिन कोडिंग में जो है आपको अगेन चेंज चीज करनी पड़ती है। सही सही इसलिए उसकी अंडरस्टैंडिंग इसीलिए कि जब आप एक कंट्रोल इंप्लीमेंट कर रहे हो बेशक किसी डेमो से आके उसको इंप्लीमेंट करके थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो। अच्छा यार ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आई थी, अच्छा ये यहाँ पे कोड लिखा रहा है, अच्छा इसमें जो डाटा लोड हो रहा है, अच्छा ये प्लांट टेबल से डाटा लोड हो रहा है, वो टेबल ये वाला तो नहीं है जो ग्रिड के साथ है। ये अंडरस्टैंडिंग आपने बिल्ड जब कर ली ना तो बस फिर आप इजीली यूज कर सकते हो। सही सर। सर ये एजेक्स क्या लिखा हुआ है इसके साथ? टेलरिक यूआई फॉर ASP.NET एंड एजेक्स। एक्चुअली एजेक्स वो ये चीज है कि देखो जैसे अभी ये हुआ है ना, तो जैसे ही मैंने ये VB.NET पे VB पे क्लिक किया ये पूरा पेज एकदम रिफ्रेश हुआ है ना, फिर टॉप पे चला गया। एजेक्स होता है कि जो जिस पोर्शन में पेज के जिस पोर्शन में चेंज आ रही है सिर्फ वो स्पेसिफिक पोर्शन या कोड रिफ्रेश होता है, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता। अब ये जो कंट्रोल्स है ना इनके अंदर बिल्ट इन AGX भी अवेलेबल है, तो हमें उसके लिए अलग से AGX इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल हम AGX मैनेजर ऐड करें तो ये तमाम कंट्रोल्स भी AGX ऑटो इंप्लीमेंट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जस्ट मेंशन किया हुआ है ये AGX है, मतलब AGX बेस्ड कंट्रोल्स है, मतलब इस पे हमें सेपरेटली AGX इंप्लीमेंट नहीं करनी पड़ती। ओके ठीक है, वो भी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे जब ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, या बल्कि अभी मैं उसकी भी है तो छोटा सा कंपोनेंट है वो मैं बता ही देता हूँ साथ आपको। वो इस तरह के अब फॉर एग्जांपल मैं थोड़े से ये मैंने एंटर करके ना कुछ स्पेसेस ऐड की हैं और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर रहा हूँ और एक बटन ऐड कर रहा हूँ। जब मैंने बटन पे डबल क्लिक किया मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ भी डाटा मैं शो कर दूँ, जैसे आपको थोड़ी सी AGX फंक्शनैलिटी समझाने के लिए। मैं इसी को व्यू इन ब्राउजर करता हूँ, ठीक है ये नीचे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, मैंने इस पर कुछ लिखूँ ना लिखूँ क्लिक पे अब जगह पेज टॉप पे चला गया ना दोबारा, और नीचे टेस्ट भी लिखा हुआ है, पेज वापस ऊपर चला गया। अब यही काम मैं थ्रू AGX करता हूँ, AGX के लिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे मैं इस सबसे शुरू में डालूंगा अपडेट पैनल, ठीक है अपडेट पैनल डाला। अब ये जितना कोड वगैरह कंट्रोल्स हैं इनको मैं उठा के रख दूंगा इस अपडेट पैनल के अंदर, बाकी इधर आ जाता हूँ मैं, ये जो जितना पोर्शन है इंक्लूडिंग दिस ये मैंने यहाँ से कट किया, और ये जो अपडेट पैनल के अंदर ये कंटेंट टेम्पलेट के अंदर ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है इनको सारा काम मैंने एक अपडेट पैनल के अंदर रख दिया। ठीक है ये लिखा हुआ भी नजर आ रहा है AGX extensions, ठीक है उसके अंदर से मैंने अपडेट पैनल उठाया। अब मैं इसको अगेन व्यू इन ब्राउजर करता हूँ, ठीक है ये ग्रिड आ रहा है उसी तरह, ये नीचे कंट्रोल आ रहा है, यहाँ पे मैंने बटन पे क्लिक किया देखो वहीं पे टेस्ट आ गया, पेज टॉप पे नहीं गया ऐसे ही सर। एग्जैक्टली जी AGX इम्प्लीमेंटेशन है कि जो पोर्शन चेंज आ रहा है जिस पोर्शन में चेंज आ रही है सिर्फ वो रिफ्रेश होता है या उसमें कुछ चेंज आती है, बाकी पूरे का पूरा पेज अपडेट नहीं होता। अब जो टेलरी के कंट्रोल में बिल्ट इन AGX भी इम्प्लीमेंटेड है, इसलिए उन्होंने साथ ASP.NET या टेलरी के AGX रेड AGX साथ लिखा हुआ होता है। राइट ठीक हो गया, चल ये हमारा मतलब सिंपल AGX भी आपकी होगी, टेलर का डेमो भी हो गया कि टेलर कंट्रोल हम किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, और देन
आप लेट आर्किटेक्चर की तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिए जो आज हमने काम किया, तो इंशाल्लाह सुबह से हम लोग एक प्रोजेक्ट लेंगे, उसकी डेटाबेस वगैरह आइडेंटिफाई करेंगे जो एब्स्ट्रैक्शन वाला कंपोनेंट है, और फिर उसकी डेटाबेस वगैरह क्रिएट करेंगे, कुछ पोर्शन एक आधी चीज़ मैं करूँगा, बाकी ज़्यादा काम आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे, फिर उसी तरह उसकी डेल बनाएंगे, बिजनेस लॉजिक बनाएंगे, फिर उसका जो टेम्पलेट लेंगे उस पर हम लोग फॉर्म डिज़ाइन करेंगे कि जो इसकी फील्ड्स हैं, जो टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह हैं, प्रॉपर से प्रोफेशनल वे में लेआउट बने उसका, वो डिज़ाइन करोगे आप लोग, फिर उसकी कोडिंग वगैरह इम्प्लीमेंट करेंगे, इस तरह हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, फिर साथ साथ जो जो चीज़ें एडवांसमेंट आती जाएंगे हम लोग सीखते जाएंगे, सेशन आएंगे, मास्टर पेजेस आएंगे, ठीक है, वेब सर्विसेज, डिफरेंट चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, फिर उसको मोबाइल से लिंक करेंगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन क्वेरी? सर ये जो हम जो चीज कर रहे हैं क्या ये MVC से रिलेटेड है, लाइक MVC भी इसके अंदर इंटीग्रेटेड है या वो एक जस्ट डिफरेंट अप्रोच है प्रोजेक्ट को? जो वो जो आर्किटेक्चर है वो दोनों का सेम है, जो अब लोग हम लोग कह रहे थे ना ये बिजनेस लॉजिक जो सॉरी डेटा आर्किटेक्चर है ये MVC ही है, जो प्रेजेंटेशन ले रहे हैं उसको हम लोग व्यू कहते हैं, जो डेटा एक्सेस ले रहे हैं उसे मॉडल कहते हैं, जो बिजनेस लॉजिक ले रहे हैं उसे कंट्रोलर कहते हैं। अब वो जो .NET के अंदर ASP.NET MVC है वो इसी लेड आर्किटेक्चर की इम्प्लीमेंटेशन का डिफरेंट तरीका है, जिसमें फिर हम लोग ASP.NET व्यू यूज करते हैं या रेजर व्यू यूज करते हैं, वो भी हम लोग इसके एंड पे उसको भी इंशाल्लाह हम लोग टच कर लेंगे, देन फिर जो ASP.NET कोर है हम उसको भी टच करेंगे, लेकिन पहले हम पूरा जो सिंपल ASP.NET फॉर्म्स में पूरा प्रोजेक्ट बना के फिर उन्हीं चीज़ों को हम लोग ट्राई करेंगे जस्ट टच करके, क्योंकि अब वही चीज़ हम कितने ईजिली MVC में कर सकते हैं, वही सेम चीज़ हम ASP.NET कोर में कितना ईजिली कर सकते हैं, ठीक है, उनके फिर उस स्टेप में हम लोग काम करेंगे। Understood, sir. अच्छा सर एक और चीज़ कि हमें मुझे फील ये हो रहा है पर्सनली कि जिस तरीके से मेरी थोड़ी सी क्यूरीज कमज़ोर हैं तो मुझे SQL MS SQL और MySQL MySQL पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा लाइक CSS JavaScript किस किस और लैंग्वेजेस की जस्ट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि हम उसके कोड को ट्वीक कर सकें, क्या वो हमें थोड़ा सा लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस बता सकते हैं ताकि हम साथ साथ थोड़ा सा उस पर भी काम करते रहे, जब हमारे पास फुली फंक्शनल एक प्रोजेक्ट का कोड है तो हमें उस वक्त मसला ना हो कि हमने किस कोड को किस तरीके से ट्वीक करना है। देखो उसमें बात ऐसा ही है कि हमें CSS है उसके लिए JavaScript हमें उसके लिए भी हमें आनी चाहिए, SQL की क्वेरी डेफिनेटली आनी चाहिए, व्यूज हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको अभी अलग से स्टडी ना करो फिलहाल, हम जो जो काम करते जा रहे होंगे ना जितना काम कर रहे हैं हम फिलहाल उसको अंडरस्टैंड करके फिर जिस वक्त आपको थोड़ी सी भी उसको एडवांस की चीज़ नज़र आएगी ना तो बेसिक आपको पता होने की वजह से आपको वो ईजीली अंडरस्टैंड होगी। ताकि हम भी स्टूडेंट थे जब हम जब नई नई प्रोग्रामिंग की तरफ आ रहे थे हमारे भी ये चीज़ थी कि हम लोग कोशिश करते थे कि ठीक है अच्छा यार ये काम करें मुझे क्वेरीज भी चाहिए, अब मैं जाके सिंपली इसको सर्वर पर चला गया वहाँ जा क्वेरीज पढ़ना शुरू कर दी, क्वेरीज पढ़ते पढ़ते उसमें सब क्वेरी आ गई, फिर ज्वाइंस आ गए, ज्वाइन के साथ फिर व्यूज आ गए, अब जब एक के साथ एक चीज़ आती है फिर मैं वो पढ़ने चला जाता हूँ, उससे फिर वो कह लो कि नॉलेज का वो जो फ्रेमवर्क है वो बढ़ता चला जाता है, फिर सारी चीज़ें सेम टाइम पे जहन में रखना मुश्किल हो जाता है, फिर चीज़ें कुछ भूलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह CSS है, CSS में जाओगे एक चीज़ करोगे तो साथ चार चीज़ें और बता रहे हैं आप उसकी तरफ चले जाते हो, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी फिलहाल हम फोकस करेंगे जो जो चीज़ इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं उसमें जितना पोर्शन CSS का हम यूज़ कर रहे हैं उसी को हम फोकस करेंगे, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ साथ उसमें चीज़ें ऐड करते चले जाएंगे, उससे आपकी खुद ही जब जैसे प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा आप देखोगे वही चीज़ जो है तकरीबन 70-80% खुद ही आपकी क्लियर हो चुकी है। मैं सजेस्ट ये करूँगा, वरना अदरवाइज आप स्टडी करना चाहते हो कोई इशू नहीं है, आप नेटवर्क CSS को भी स्टडी कर सकते हो, JavaScript स्टडी कर सकते हो, SQL सर्वर वगैरह में जाके क्वेरीज हैं, सब क्वेरीज हैं, ज्वाइंस हैं, व्यूज हैं, स्कोप फीचर्स हैं, ये स्टडी कर सकते हो आप। अंडरस्टूड सर, आपकी अप्रोच ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जब तक हाथ से इंप्लीमेंट नहीं करते उस चीज़ को तो वो नॉलेज बिल्कुल काम नहीं आती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे सर। उसमें होता है हम अभी करेंगे उसको इंप्लीमेंट प्रॉपर एक रियल एप्लीकेशन के अंदर, अच्छा ये हमारा सिनेरियो आया है इसमें हमने इसको यूज़ करना है इस तरह होना है, तो अभी जितना अभी मैंने अभी तक लेयर आर्किटेक्चर बताया वो मैंने किसी भी एप्लीकेशन पर नहीं बताया, वो जस्ट सिंपली आपको उसके ग्राउंड और उसकी बेसिक्स थी वो बताई हैं, लेकिन किसी एप्लीकेशन सिनेरियो के अंदर जब इम्प्लीमेंट आप करते हो ना देन उसकी ज़्यादा आपको क्लियर आती है कि अच्छा अब ये सिनेरियो इसमें मैंने इसको चेंज करने जा रहा हूँ तो मुझे ये करना है ये करना है, तो उसमें हम जब करेंगे बाकी छोटी छोटी चीज़ें खुद ही अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाएगी हमारी। एग्जैक्टली सर, यू 100% राइट। तो इंशाल्लाह सुबह मैं आपसे जब टैबलेट शेयर करूँगा उसी के अंदर फिर हम लोग जो DBs जो हमें डिज़ाइन करनी है इंटरफेस है एक पेज का इंटरफेस मैं खुद बनाऊँगा कल,
और बाकी उसके रिलेटेड यानी एक टेबल आइडेंटिफाई करके उसी का फॉर्म बनाऊंगा। फिर आपको टास्क मिलेगा कि रिमेनिंग जितने टेबल हैं वो बना के हम सबके फॉर्म बनाने हैं। उसके अगले स्टेप में फिर हम लोग डेटा एक्सेस लेयर बना के उस डेटा एक्सेस लेयर में उसके सारे मेथड बनाएंगे, फिर बिजनेस लॉजिक में उसके सारे मेथड बनाएंगे, और फिर हम लोग वो जो इंटरफेस बनाए होंगे, फॉर्म्स बनाए होंगे, उनके साथ उनको हम लिंक करते हुए इंप्लीमेंट करते जाएंगे। So, inshallah, looking forward to it. Fine. Over to question query. Is it clear? No, sir. Fine. Good, though, yeah. ठीक है, चलें, बस फिर इंशाल्लाह कल सुबह इंशाल्लाह मिलते हैं। तो सोचता है कोशिश कीजिए इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि इसकी प्रैक्टिस अब इसलिए करनी है कि आगे हो सकता है 2 से 3 दिन या 4 दिन हम लेड आर्किटेक्चर पे दोबारा वापस ना आ रहे होंगे, यानी इंक्वायरीज पे ना, ये जो मेथड बनाए हैं उससे पहले हम फॉर्म बना रहे होंगे, डेटाबेस डिजाइन कर रहे होंगे, ये ना होगा 4 दिन बाद ये सारे भुला हो। इसलिए आज प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप लोग, ताकि कल जब हम लोग ये बना के दोबारा जब लेड आर्किटेक्चर को आप इम्प्लीमेंट करो तो मुझे कम बताना पड़े, आप लोग खुद से इम्प्लीमेंट कर लो उसको। Sure, sir, sure. Inshallah. Chale, fine. Thank you. Fir kal milte hain, inshallah. All right, sir. Allah Hafiz. Sir, Allah Hafiz.